हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम सिंह और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं अमृतसर के मशहूर लाल खट्टे लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसको लाल लड्डू करारे भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है हमारा लाल लड्डू करारे। फ्रेंड्स, आप लोग लाल लड्डू करारे बनाने के लिए चने की दाल और मूंग की दाल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ चने की दाल का प्रयोग करेंगे। चने की दाल में अदरक मिर्च डाल के पीस लेंगे। चने की दाल को हम रात भर भिगो दिए थे। इसको मिक्सर में अच्छी तरह हमने पीस लिया है, देख सकते हैं आप लोग। दाल में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे। मिर्च के बाद हम इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा हींग डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हाथ से फेंटेंगे ताकि इसमें हवा भर जाए और हमारा जो पकौड़ी बने वह एकदम फूली फूली बने, इसलिए हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मूली के पत्ते को काट कर मिक्स कर लिया है। आप इसमें पालक के पत्ते को भी काट कर मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पकौड़ी और भी अच्छी बन जाती है, देखने में भी रंगीन लगती है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब आप इसमें छोटे बड़े जिस तरह आकार देना चाहते हैं पकौड़ी का दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब हमारी पकौड़ी लाल कलर की हो जाएगी तब हम इसमें करछुल डाल के चला देंगे अच्छी तरह से। इसको ऐसे चारों तरफ चला देंगे ताकि हमारी पकौड़ी जो है चारों तरफ से पक जाए। अभी थोड़ा कच्ची है इसलिए थोड़ी देर हम इसको और चलाएंगे। देख सकते हैं हमारी पकौड़ी जो है एकदम सुनहरे कलर की हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, तेल पूरा एकदम निथार देंगे। अब हम इसमें जीरा मिर्च को अच्छी तरह तवा पे भून लेंगे। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे नमक डाल के। 3-4 मिनट हमने पानी को पका लिया है। हमारा पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में पलट लेंगे। पानी को थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इस पानी को रात भर फ्रिज में रख देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। ये जीरा जो पीसे थे, बारीक कटी हुई मूली, ये पकौड़ी है जो काट लिए हैं, ये इमली का पानी है जो रात भर हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें जीरा मिर्च नमक डाल देंगे 2 चम्मच। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक सेंधा नमक दोनों डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी ज़्यादा न डालिए, हल्का सा मालूम हो चीनी 3-4 चम्मच के करीब डाल दीजिए। बारीक कटे हुए गाजर डाल देंगे।
बारीक मूली को भी कर लिया है, मूली डाल देंगे। मीडियम साइज कटे हुए मूली को डाल देंगे, मीडियम साइज कटे हुए गाजर को भी हम अब इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हींग डाल देंगे, हींग ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक चुटकी दो चुटकी ऐसे थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम इसमें लाल फ्रूट कलर डाल दे रहे हैं, फ्रूट कलर इतना डालिए कि हमारा जो है लड्डू करारे एकदम लाल हो जाए, गाढ़ा लाल हो जाए, इसलिए इसमें आधा चम्मच या उससे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। देख सकते हैं हमारा कलर कितना अच्छा है, अगर आपको थोड़ा और डालना है तो और भी डाल सकते हैं ताकि कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगे। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लगे। थोड़ा कम लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा और कलर डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें पकौड़ी को डाल देंगे अच्छी तरह पानी में। अगर आपको तुरंत लाल लड्डू करारे खाने हों तो थोड़ा पकौड़ी कम पकी रहे तभी निकाल लीजिए, अगर एक आध दो घंटे बाद खाना है तो जिस तरह हम पकौड़ी को निकाले हैं इस तरह जब एकदम गोल्डन कलर की हो जाए तब आप पकौड़े को निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद इमली के पानी में डाल दीजिए। 100 ग्राम इमली का पानी लिया था और 1 लीटर हम पानी डाल के उबाल लिए थे। अब हम इसमें धनिया काट लिए हैं बारीक, इसको डाल देंगे धनिया को चारों तरफ से ताकि देखने में हमारे लाल लड्डू करारे बहुत ही अच्छे लगें। देख सकते हैं हमारा लाल लड्डू करारे बन के तैयार हो गया है, इसमें धनिया का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारा अमृतसर का मशहूर खट्टे लाल लड्डू करारे बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा लड्डू करारे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।